उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर जहां शराब तस्करों और माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, वहीं पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को इस प्रकार अवैध रूप से बिकने वाली शराब से बचने की सलाह देने के लिए जागरूकता अभियान के रूप में खुली बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और यह बैठकें अन्य राज्यों से जुड़े कस्बों व खादर क्षेत्रों में अधिकतर रूप से आयोजित की जा रही है, जिसके तहत सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने में शासन के आदेशों पर खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के गणमान्य लोगों के साथ साथ ग्राम प्रधानों एवं समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया। वहीं बैठक में DIG शरद सचान, SSP सुधीर कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह और सभी अधिकारी गण मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान सभी से अनुरोध किया गया कि वह अपने आसपास अवैध शराब के प्रति जागरूक हों और इस प्रकार के कारोबार को करने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को दें, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। वहीं इस बैठक के दौरान लोगों से उनकी शिकायतों को भी जाना गया तथा समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। क्षेत्र के सभी लोगों ने पुलिस और प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। इसके बारे में जो भी घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं और लगातार शासन के निर्देश हैं कि उत्तरांचल और UP दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करें। जो भी बॉर्डर के जितने भी गाँव हैं, उन गाँवों में हम लोग जो है लगातार प्रवेशन डाल रहे हैं और बहुत अधिक बड़ी संख्या में ये शराब अवैध शराब बनाने वाले और बेचने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। अभी तक जो है पूरे मंडल में हमारे कम से कम 200 लोग पकड़े गए हैं और बहुत सारी शराब और ये भट्टियाँ वगैरह जो है ये नष्ट की गई है। और इसमें एक्साइज विभाग की तरफ से मैं बता दूं कि उस धारा 60A है, जिसमें फांसी की सज़ा भी उसमें निर्धारित है और हम लोग अब जो भी मुकदमे कायम कर रहे हैं उसमें ये 60A लगा रहे हैं, जिससे कि शायद इनको फ़र्क पड़े। जो शराब बेचने वाले हैं उनके ऊपर जब कड़ी सज़ा मिलेगी तो शायद वो इस काम को करना बंद करेंगे। साथ ही साथ आज हमने यहाँ पर गाजी थाने पर जब लहानों की और वरिष्ठ नागरिकों की बैठक करी थी, इसमें सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि अपने अपने गाँव में एजुकेट करें लोगों को कि अवैध रूप से शराब ना पिए। अगर शराब यहाँ पहले तो बात तो शराब पिए ही ना, और अगर पी रहे हैं तो फिर वो निर्धारित जगह से ही लें और इस तरह की कोई अवैध शराब या उस तरह का उसका कोई प्रश्न या उसको कोई बढ़ावा ना दें। सर,